हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज नेटवर्क में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक पज़ल डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि IBPS क्लर्क के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम इसके टू मेथड देखेंगे। पहला मेथड उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट के लिए है जो एग्ज़ाम के हॉल में कॉन्फिडेंट फील करते हैं, कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, जो डर नहीं रहे हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ बैठे हैं उस हॉल में, एग्ज़ाम के हॉल में और उस एक वन आवर के पीरियड में, तो उनके लिए है। अगर आप डर महसूस कर रहे हैं, घबराहट हो रही है आप एग्ज़ाम के हॉल में, कॉन्फिडेंस लूज फील कर रहे हैं, तो गलती से भी ये मेथड अप्लाई ना करें, क्योंकि हो सकता है आपको उनके जो 3 मिनट है, 4 मिनट है, वेस्ट भी हो जाएंगे, पजल भी ना सॉल्व हो जाए, हो सकता है दोस्तों। इसलिए मैं इससे बेहतरीन मेथड आपको बता दूँगा इस मेथड के बाद, तो वो अप्लाई करें। तो चुटकियों में आप इस पजल को जो टाइम इस मेथड से सॉल्व करने में लगता है, वही टाइम उस मेथड से सॉल्व करने में ही लग जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं, बस सही मूड पे सही मेथड अप्लाई करो। तो चलिए पहले हम देखते हैं कौन सा हम पजल सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम ये पजल सॉल्व करने वाले हैं। 10 persons ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग इन अ टू पैरेलल रो सच दैट ए बी सी डी ई सीट इन अ रो फर्स्ट facing towards the north direction and P, Q, R, S, T sit in a row second such that all are facing south direction. Okay. Person sit in the row first faces the person sit in a row second. तो क्या कहा गया है दोस्तों, जो पर्सन है A, B, C, D, E वो रो फर्स्ट में बैठे हैं और उनका फेस किस डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में है, और जो पी क्यू आर एस टी है वो रो सेकंड में बैठे हैं और उनका फेस कहाँ है, वो साउथ डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ लिख देते हैं ए बी सी डी ई रो फर्स्ट में है और उन सब का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में। दोस्तों, अगर हम रो सेकंड को यहाँ लिख दे और पी क्यू आर एस टी यहाँ लिख देते हैं, तो क्या इनका फेस इस तरह होगा पी क्यू आर एस टी। क्या ये जो कहा गया है इस लाइन, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी लाइन, ये जो लिखी है कि ये जो पर्सन है, पर्सन सिटिंग इन अ रो फर्स्ट फेसेस द पर्सन सिटिंग इन अ रो सेकंड, तो रो फर्स्ट के पर्सन रो सेकंड के पर्सन से फेस कर रहे हैं, ये कंडीशन यहाँ हम पुट नहीं कर सकते। तो रो सेकंड अगर यहाँ हमने पुट कर दिया पी क्यू आर एस टी, तो इनका अपोजिट डायरेक्शन में फेस है, तो यहाँ नहीं पुट कर सकते, तो हम यहाँ पुट कर देंगे पी क्यू आर एस टी, तो इनका फेस अब साउथ के डायरेक्शन, तो एक दूसरे की ओर फेस करते हुए बैठे, इस तरह हमारी अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो चलिए हम अब पहला मेथड देखते हैं सॉल्व करने का। ये हमारी इंफॉर्मेशन के लिए हम यहाँ लिख देते हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि किसका फेस किस डायरेक्शन में है। तो पहले हम 5 persons के लिए 1 2 3 4 5 ऐसा लिख दिया। तो पहली कंडीशन क्या कहते हैं, बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ डी एंड वन ऑफ देम सीट एट एन एक्सट्रीम एंड। जो बी है थर्ड टू द राइट ऑफ डी है, तो बी है जो थर्ड टू द राइट ऑफ डी है, इन सब का फेस जो है नॉर्थ की ओर है और इन सब का जो फेस है साउथ की ओर है, और इन दोनों में से एक जो है तो एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, तो हमें इन दोनों में से एक को एक्सट्रीम, अब डी को हमने एक्सट्रीम एंड पे बिठा दिया, अब हम बी को एक्सट्रीम एंड पे बिठा देंगे 2 3 4 5, तो हमने अब बी को एक्सट्रीम एंड पे बिठा दिया। ओके, इनका फेस है नॉर्थ को है और इनका फेस साउथ की ओर है। तो चलिए, ये मैंने क्या बताया, ये मेथड अगर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे तभी यूज़ करने का, वरना मैं दूसरे मेथड बहुत बेहतरीन है वो बता दूंगा। अगर आप घबरा भी गए, डर भी हो रहा है एग्ज़ाम के दौरान, तभी भी वो मेथड काम करेगी। तो चलिए पहले मेथड हम देखते हैं। पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेसेस बी। जो P है वो इमीडिएट नेबर किसका है, जो भी B को फेस कर रहा है उसका इमीडिएट नेबर है, तो इस कंडीशन में तो लिख देंगे, लेकिन यहाँ टू जगह आ सकता है, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ भी लिख दिया। ओके, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन P and R के बीच में बस एक ही पर्सन है, लेकिन यहाँ अगर हमने पुट करने की कोशिश की पी एंड आर, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं P एंड R के बीच में एक पर्सन है, ऐसे साइड में कंडीशन लिख देते हैं। Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, तो क्या कहा गया है, जो Q है वो इमीडिएट नेबर किसका नहीं है, P का नहीं है, तो Q यहाँ नहीं आ सकता, Q यहाँ भी नहीं आ सकता, तो यहाँ इस कंडीशन में Q के लिए बस एक ही जगह है, तो Q को हमने यहाँ पुट कर दिया।
लेकिन हम अब यहाँ पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, जो पी है क्यू का इमीडिएट नेबर नहीं है, ऐसे साइड में पुट कर देंगे, बाद में ऑटोमेटिक पजल सॉल्व हो जाएगा, देखते जाए। द वन हु फेसेस आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, जो भी आर को फेस कर रहा है वो किसका इमीडिएट नेबर है, तो ए का है। तो इस कंडीशन में भी अब ये यहाँ भी आ सकता है, ये यहाँ भी आ सकता है, तो हम क्या करते, ऐसा लिख देते हैं आर, जो भी आर को फेस कर रहा है, जो भी आर को फेस कर रहा है वो इमीडिएट नेबर ए का है, ऐसे हमने यहाँ पुट कर दिया, आगे हमें समझ में आ जाएगा। सी फेसेस क्यू, जो सी है वो क्यू को फेस कर रहा है, तो इस कंडीशन में तो लिख दिया, पर इस हमें पता ना यहाँ क्यू का है, तो हमने यहाँ इस साइड में सी को ऐसे लिख दिया। ओके, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन द वन हु फेसेस ए एंड यस, तो जो भी ए को फेस कर रहा है उसके और यस के बीच में बस एक ही पर्सन है, तो हमें पता नहीं अब कौन सा पर्सन ए को फेस कर रहा है, कौन सा पर्सन ए को फेस कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, जो भी पर्सन ए को फेस कर रहा है, जो भी पर्सन ए को फेस कर रहा है उनके और यस के बीच में, यस यहाँ भी आ सकता है और एक छोड़ के यहाँ भी आ सकता है, उनके बीच में एक का गैप है, तो हमने इस कंडीशन को ऐसे लिख दिया। टी इज टू द राइट ऑफ क्यू, तो जो कहा गया है कि टी है वो क्यू के राइट में है, तो टी के राइट में यानी कि ये जो साउथ पे है, तो क्या करेंगे, साउथ को इसलिए इस डायरेक्शन में, इस साइड में आ जाएगा, हम लिख देते हैं। और टी जो है क्यू के राइट में है, अब क्यू राइट एंड पे ही बैठा है इस कंडीशन में, तो राइट को टी आने का कोई संभावना ही नहीं, इसलिए ये कंडीशन हमारी गलत हो गई। अब बस इस कंडीशन का हमें ध्यान रखना है, इस कंडीशन को तो हमने क्रॉस कर दिया। ई सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो ख़त्म, पजल यहाँ ख़त्म हो गया है। आखिरी कंडीशन क्या है, ई जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी है, तो ई को हम इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी ऐसा बिठा दिया। अब दोस्तों देखिए, अब जो गिवन कंडीशन है इसके आधार पे, इसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस पी का, इस पी को ध्यान में रखते हैं, तो अगर हमने पी को यहाँ रखा तो आर को कहाँ रखेंगे, आर को यहाँ रखेंगे, अगर आर को यहाँ रखा तो फिर क्या रख, आर को यहाँ रखा तो आर के जो पर्सन आर को फेस कर रहा है, यानी कि जो पर्सन आर को फेस कर रहा है उनके इमीडिएट नेबर कौन होना चाहिए, ए होना चाहिए, तो ये यहाँ आ जाएगा। अगर हम ये सर्कल क्यों कर रहे हैं, अगर एक कंडीशन ली है हमने पर एक कंडीशन फेल हो जाते तो हमें समझ में आएगा कि हमने कौन कौन से पुट किए थे, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। अगर एक कंडीशन सही होती है तो हम क्या करेंगे, यही रुक जाएंगे, एक कंडीशन गलत है मान देंगे, इसलिए हमने सर्कल कर दिया ताकि हमें बाद में समझ आ जाएगा। तो हाँ, तो ये भी कंडीशन हो गई इस कंडीशन में। तो अब का ये जो है, अब ये आया है तो ये के आधार पर लिख देते हैं, ये जिसको भी फेस कर रहा है उसके और यस के बीच में एक का गैप है, तो एक छोड़ के हम यस को यहाँ पुट कर देंगे। ओके, ये भी हो गया। जो क्यू है वो क्यू सी को फेस कर रहा है, अब सी इसमें तो सी के एक ही जगह है, तो क्यू कहाँ आ जाएगा, क्यू यहाँ आ जाएगा, लेकिन दोस्तों क्यू के लिए यहाँ जगह नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ क्या है, पी है, तो ये कंडीशन गलत हो गई। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये जो बाद में लिखा है ये भी गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत हो गया। तो अब इस पी का ख्याल करेंगे हम, अगर पी यहाँ रखा तो आर कहाँ कहाँ आ सकता है, तो आर दोस्तों यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो पहले हम क्या करेंगे, आर को यहाँ पुट कर देंगे। ओके, यहाँ पुट कर देंगे, अगर आर को यहाँ पुट कर दिया तो आर के इमीडिएट जो भी पर्सन आर को फेस कर रहा है उसके इमीडिएट कौन आना चाहिए, ये आना चाहिए, तो ए को यहाँ लिख दिया। और ए और यस में जो भी पर्सन ए को फेस कर रहा है उसके और यस में एक एक का एक गैप होना चाहिए, तो यस कहाँ आ जाएगा, यस यहाँ आ जाएगा। ओके, और यस यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ गया, डी ऑलरेडी यहाँ है। अब जो ये कंडीशन है कौन सी, क्यू की, जो क्यू है वो सी को फेस कर रहा है, सी के लिए बस यही जगह है, तो सी हम यहाँ लिख देंगे और क्यू यहाँ लिख देंगे। ओके, ये भी हो गया। अब क्यू आर हो गया, पी हो गया, यस हो गया, क्यू हो गया। अब ये क्या कंडीशन कौन सी, ये क्या कह रहा है, टी जो है वो क्यू के राइट में होना चाहिए, तो क्यू के राइट में हम टी को यहाँ पुट कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह ये पजल हमारा तो सॉल्व हो गया, पजल सॉल्व हो गया दोस्तों। लेकिन देखो ये जो कंडीशन है, ये कहाँ आएगा, ये कहाँ आएगा, ये कहाँ आएगा, ये हमें मालूम, मुझे अगर हमारा कॉन्फिडेंस लूज है तो हम ये सब गड़बड़ाहट, ये जो कंसंट्रेशन, बहुत कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारा कॉन्फिडेंस लूज है तो बिल्कुल इस मेथड से नहीं जाना। मान लिया इस मेथड से 10 सेकंड बच जाएंगे अपने, अपन के 10 सेकंड, 20 सेकंड, या हो सकता है
आधा मिनट भी बच सकता है इस मेथड से। लेकिन ये मेथड तभी यूज़ करने का जब हाँ आप उनके पास बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत हाँ एग्ज़ाम में अच्छा फील कर रहे हैं, तभी यूज़ करने का, वरना मैं दूसरे मेथड बता दूंगा। इस वीडियो ऑलरेडी समझाते समझाते दोस्तों बहुत लंबा हो गया है, इसलिए हम अभी इसको यहाँ स्टॉप करते, दूसरे वीडियो में वो मेथड मैं बता दूंगा। तब तक लेके दोस्तों, तब तक के लिए आप बस सब्सक्राइब कर कीजिए, हम ऐसे ही पजल डिस्कस करते जाएंगे एक दूसरे के मदद से। आप भी बता दीजिए अगर आपके पास कोई अच्छा मेथड हो तो। किसी भी हाल में दोस्तों आप उनको IBPS क्लर्क को क्रैक करना ही है, फेल्योर वगैरह सब भूल जाओ। तो चलिए हम अब यहाँ ठहरते हैं, रुकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।